उत्तरी भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शातलाई में 14 मार्च से 13 अप्रैल तक चैत्र मास के मेलों को लेकर मंदिर न्यास ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस दौरान मेला प्रबंधन की बैठक उपायुक्त विवेक भाटिया की अध्यक्षता में हुई। बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रबंधन व्यवस्थाओं और सुरक्षा की दृष्टि से 5 सेक्टर में कस्बा डिवाइड कर 137 पुलिस जवान व 90 होमगार्ड नियुक्त रहेंगे। झंडूता चुनाव क्षेत्र के विधायक जीतराम ने भी आमजन और प्रशासन को मिलजुल कर बेहतर व्यवस्था करने के लिए कहा है। सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए नगर पंचायत अतिरिक्त 30 कर्मचारी रखेगी। स्वच्छता को लेकर प्रशासन ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि सेफ्टी टैंक की गंदगी फैलाने पर 25,000 जुर्माना होगा। सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर आमजन और श्रद्धालुओं के लिए रहेगा। श्रद्धालुओं की फैसिलिटी के लिए तलाई पुल से भरतपुर सड़क पर 10 स्ट्रीट लाइट प्वाइंट लगेंगे। वहीं शातलाई से देवसिट सड़क पर भी टेम्परेरी शौचालय बनाने की योजना बनाई गई है। मेले के दौरान 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश दिए गए हैं। मेला प्रशासक SDM झंडूता, सहायक मेला अधिकारी तहसीलदार झंडूता और मेला पुलिस अधिकारी DSP मारमी रहेंगे। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शातलाई से पवन कौशल की रिपोर्ट।